दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर न्यू नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें LUVAS में नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आई है। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी में आपकी वैकेंसी हिसार से जो है दी गई है। क्लर्क है, एनिमल अटेंडेंट है, स्टेनो है, VLDA है, आपको बहुत सारी पोस्ट दी गई है। 90 वैकेंसी आपके लिए दी गई है। 15 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपके फॉर्म जो है चलने वाले हैं। यहाँ पे ग्रुप सी के लिए 1000 रुपये है, वहीं ग्रुप डी के लिए आपका 600 रुपये फीस दिया गया है। वहीं हरियाणा का फीमेल के लिए आपका 500 रुपये है, अदर के लिए आपका डी के लिए 300 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग फीस दिया हुआ है, इन कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्टर, तो आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन खुल के आ जाएगा। तो आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन कर लेना है एंड आपको ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको प्रोसीड करना होगा। आपको आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपका ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कि सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी। यहाँ पर पूछता है मिस्टर मिसेज, वो आपको डालना होगा एंड यहाँ पर आपको पूछता है एप्लीकेट नेम, तो आपको अपना नाम डाल देना है। जेंडर क्या है, वो जेंडर मेल है फीमेल है वो आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है एंड नीचे दिखाई देगा पासवर्ड, तो पासवर्ड कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर एक मोड, इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड डालना होगा एंड पासवर्ड कंफर्म कर देना है। उसका नीचे दिखाई देगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो आपका फेवरेट स्पोर्ट है फेवरेट क्रिकेटर है तो वो आप अपना यहाँ पे आंसर डाल सकते हैं एंड दोबारा से आंसर डालना होगा एंड आपको रजिस्टर्ड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो आपको लॉगिन आईडी जो है डालना होगा। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है। तो देखिए आपको यहाँ पे सारी डिटेल जो अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी आप गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जो लॉगिन आईडी आपको रिसीव हुआ है तो वो रिसीव लॉगिन आईडी आपको डालनी होगी। तो यहाँ पे जो लॉगिन आईडी आपको मिला है वो लॉगिन आईडी डाल देना है। लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको प्रोसीड करना होगा। वही आपका आता है पासवर्ड खुल के, तो आपको पासवर्ड क्या है, जो पासवर्ड आपने फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वही पासवर्ड डालना होगा एंड जो कैप्चा कोड दिखाई देगा वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा वेरीफाइड पासवर्ड, तो आपको वेरीफाइड पासवर्ड कर देना है। यहाँ पर आपको व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। व्यक्तिगत जानकारी भरने के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पूछता है फादर्स नेम, तो वो आपको डाल देना है एंड आपका मदर्स नेम क्या है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो देखिए यहाँ पर सारी डिटेल जो आपको अच्छे से फिल करनी होगी, डेट मंथ एंड ईयर आपको डाल देना है, मैरिड है अनमैरिड है वो आपको डालना होगा एंड नेशनलिटी आपको डाल देना है, वही रूरल है या आप जो है सिटीजन है वो आपको डालना होगा एंड आधार नंबर अपना डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर अवेलेबल है तो आपको आधार नंबर डाल देना है। वही आपको पूछा है पेन नंबर है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई एक प्रूफ और आपको देना होगा, नहीं है तो ये खाली छोड़ देना है एंड आपको नीचे दिखाई देगा हैव यू इवन वी डिस्क्वालीफाइड अपीयर एनी सीकर गवर्नमेंट जॉब, तो आपको कहीं से डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप यस कर सकते हैं, न तो आपको नो कर दें। अगर डिसमिस किया गया है आपको तो आप यस कर सकते हैं, न तो आपको नो कर दें। वही आपको एक बार क्रिमिनल केस है, आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्रवाई है तो ये आपको नॉर्मली नो कर देनी है एंड यहाँ पर पूछता है आपका बॉडी मार्क्स में कोई तिल वगैरह है कट वगैरह तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद खुल गया था आपका एड्रेस डिटेल, तो आपको एड्रेस डिटेल में क्या है देखिए, आपको हाउस नंबर पता है तो वो डाल देना है, गली नंबर पता है तो वो डाल देना है, किस विलेज से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। वहीं आपका विलेज है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, वो सारी चीज़ डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो अदर स्टेट से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको डालना होगा एंड आपकी तहसील कौन सी है वो तहसील यहाँ पर आपको फिल कर देनी है एंड आपके एरिया का पिन कोड क्या है वो आपको डाल देना है। डालने का पूछता है परमानेंट है प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। सेम एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दें, वही पूछता है हरियाणा के मूल निवासी है तो यस कर सकते हैं, न तो आपको नो कर दें। वही आपको पूछता है टेंथ आपने हिंदी और संस्कृत से पास किया एक विषय से, तो आप यस कर सकते हैं, न तो आपको नो कर देना है। एंड पूछता है आपकी कास्ट कौन सी है, जाति आपको डालनी होगी, रीजन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो आपको डाल देना है। डालने का इनमें से कोई भी आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। उसका पूछता है वेदर द एनी आपको जो है फैमिली वॉज अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट, तो आपका कोई रेगुलर एम्प्लॉय है आपके परिवार में से आप जो हरियाणा में, तो आप यस कर सकते हैं। उसका पूछता है वेदर यू क्रॉस एनुअल इनकम सैलरी एग्रीकल्चर बिजनेस पीरियड, तो आपका
देन वो लाख आप लाख रुपए से ऊपर है तो आप जो यस कर सकते हैं। तो उसका पूछा यदि आवेदक विधवा है तो आप यस करेंगे, अन्यथा आपको नो कर दिया तो आपको नॉर्मली यहाँ पर सारी चीज जो है नो कर दे। नो करने का डिस्क्लेमर क्लिक कर लेना है एंड आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप आता है एट्थ, तो सबसे पहले आपको एट्थ का रिकॉर्ड जो है देना होगा। तो एट्थ पर क्लिक करेंगे किस बोर्ड राज्य से पास किया है, आपको जनरल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, सी जी पी है या मार्क है तो वो आपको डालना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्टेंट डाल देना है, ऑप्टेंट क्या है आपका टोटल मार्क्स आपको डाल देना, परसेंट ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, एंड डिवीजन कौन सा है वो आपको डालना होगा, किस डेट में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा, एंड डालने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर टेंथ का रिकॉर्ड चढ़ गया है, उसी प्रकार आपको ट्वेल्थ का भी रिकॉर्ड टेंथ का रिकॉर्ड देना होगा, ये आपका एट्थ का रिकॉर्ड था। तो एट्थ आपने किस बोर्ड से पास किया है वो आपको डालना होगा, डालने के बाद आपको किस इंस्टीट्यूट से पास किया है तो वो आपको डालना होगा। मीडियम हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है वो आपको डाल देना है, एंड रोल नंबर क्या था वो आपको डाल देना है। डालने का पूछता है मार्क्स है या सी जी पी है वो आपको डालना होगा, एंड टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेंट डालना होगा, डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है, डालने के बाद किस ईयर में आपने पास किया है वो डाल देना है, एंड आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको दिखाई देगा ट्वेल्थ, तो आपको ट्वेल्थ का रिकॉर्ड भी सेम पोजीशन में ही डालना होगा। तो देखिए जो जो क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है वो क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम पोजीशन में ही भरनी होगी। देखिए जो जो आपने किया है, टेंथ किया है, ट्वेल्थ किया है, वो आपको सारी चीज़ जो है सेम पोजीशन में डाल देनी है। रोल नंबर क्या है वो आपको डाल देना है, मार्क्स है या सी जी पी है वो आपको डालना होगा, टोटल मार्क्स है ना आपको ऑप्टेंट यहाँ पर डाल देना है, डालने के बाद आपका यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। डिवीजन कौन सा है वो आपको डाल देना है, किस डेट में आपने पास किया है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर लेना है, सेव करने के बाद आपको क्या है यहाँ पर और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी दे सकते हैं, नता सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना। वही आपका आता है हिंदी, आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो आपको यहाँ पर आपका एग्जाम नेम आपने क्या है, एग्जाम नेम आप टेंथ डाल सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर सेव कर लेना है। वही आपको आपको संस्कृत आता है, इंग्लिश आता है, पढ़ना लिखना बोलना तो वो भी आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे मातृभाषा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये खाली छोड़ देंगे। भैया और भी कोई लैंग्वेज है तो वो आती है वो भी डाल देंगे, एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो फोटोग्राफ है आपका, फोटोग्राफ पे डीओपी होना अति आवश्यक है, तो आप अपना फोटोग्राफ अच्छी क्वालिटी का डीओपी होना जरूरी है। तो फोटोग्राफ पे आपका डीओपी होना चाहिए, तो आपको फोटोग्राफ जो अपलोड करना होगा तो फोटोग्राफ फोटो आपका लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपको फोटोग्राफ 50 से लेकर 100 के बीच में अपलोड मांगा गया है तो काफ़ी जो है अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ मांगा गया है, तो आपको यहाँ पर 50 से 100 के भी बहुत हो जाता है, तो आपको इस तरीके से अपलोड कर देना है। वही आपका सिग्नेचर है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा 20 से 50 के बीच में, तो आपका सिग्नेचर 20 से 50 के बीच में होना चाहिए। तो आप फोटोग्राफ जो है 20 से 50 सिग्नेचर 20 से 50 के बीच में आपको इस तरीके से अपलोड कर देना है, एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म चेक करने के लिए यहाँ पर ये आपका सिर्फ प्रोफाइल है, ये आपका और कुछ नहीं, अभी प्रोफाइल चल रहा है, प्रोफाइल आपका पास हो जाएगा उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है दिखाई देगा। वही आपके पास कोई एक्सपीरियंस अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। वही आपको रेफरेंस, आपको रेफरेंस देना होगा, जैसे आपका कोई व्यक्तिगत आदमी है उसका नाम जो आपके बारे में जानकारी रखता है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या करता है वो, उसका एड्रेस डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आ जाएगा। तो एनएक्सजरी आई भी आपको जो है यहाँ पर साइट पर मिल जाएगा, तो एनएक्सजरी आप जो है यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। एनएक्सजरी फॉर्म लेके आप जो है यहाँ पर आपको सेटिस्फाई आपको वेरीफाई करना होगा, तो एनएक्सजरी फॉर्म जो आपको मिल जाएगा, तो एनएक्सजरी फॉर्म जो है आपको अपलोड करना है। तो एनएक्सजरी फॉर्म अपलोड करेंगे यहाँ पे आपको एनएक्सजरी फॉर्म में आपका टेंथ की मार्कशीट है, ट्वेल्थ आपका एट्थ की है, टेंथ ट्वेल्थ आपका जो है लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज क्या है डॉक्यूमेंट ऑफ लैंग्वेज एग्जाम, तो आपको टेंथ की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना, आपको प्रोफाइल जो है व्यू प्रोफाइल करके एक बार चेक कर लेंगे कि आपके प्रोफाइल में कोई गलती तो नहीं है, गलती है तो आप जो अभी भी सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आता है अप्लाई टू पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर पोस्ट अप्लाई के लिए आपका खुल के आ जाएगा। देखिए इतनी सारी पोस्ट आपके लिए
आ रही है। जिस पोस्ट के लिए आपको करना है यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लेना है एंड आपको ओके कर लेना है। ओके करेंगे तो आपका जो है जो आगे नेक्स्ट स्टेप जो है खुल के आ जाए। यहाँ पे आप क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी चेक करेंगे उसके बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए आप लोन वाली अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे उसके बाद ही आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो जिसके लिए आपको अप्लाई करना है यहाँ पे देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन होना आपके पास अति आवश्यक है। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एंड आप जब यहाँ पे क्या है आपको देखिए अप्लाइड सक्सेसफुल आपका जो अप्लाइड सक्सेसफुल जिसके लिए आप जो है एलिजिबल है उसके लिए आप यहाँ पे व्यू अप्लाई पोस्ट देख सकते हैं कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाइड हो गया है तो यहाँ पे मेक पेमेंट के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। तो पे करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल माना जाएगा एंड आपका फॉर्म फाइनल होने के बाद आप अपना जो है प्रिंट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना देख सकते हैं कि आपने जो है सही अपलोड किया है आपका यहाँ पे। अगर आपका जो है आपका पेमेंट जो है असफल हो गया तो यहाँ पे आपको असफल शुल्क की जांच करें वेरीफाई करेंगे तो आपका पास हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आप इधर प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।